एक बार गौतम बुद्ध से कोई पूछता है कि बुद्ध, ध्यान का पहला अनुभव होने में कितना समय लगता है। बुद्ध उस व्यक्ति को उत्तर देते हैं, मैं तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को समझाने के लिए तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक साधक अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मैं लंबे समय से ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ध्यान का पहला अनुभव नहीं हुआ, तो कृपा कर मुझे बताएं कि मुझे ध्यान का पहला अनुभव होने में कितना समय लगेगा। गुरु उत्तर देते हैं, यदि तुम 1 घंटा प्रतिदिन ध्यान करोगे तो 12 महीने लगेंगे। शिष्य कहता है, यदि गुरुदेव मैं प्रतिदिन 2 घंटे करूं तो? गुरु कहते हैं, तो 24 महीने लगेंगे। शिष्य पूछता है, और यदि मैं 4 घंटे करूं तो? गुरु कहते हैं, फिर 48 महीने लगेंगे। शिष्य गुरु से पूछता है, परंतु ऐसा क्यों गुरुदेव? मेरे ध्यान करने के समय को बढ़ाने पर ध्यान का पहला अनुभव होने में ज्यादा समय क्यों लगेगा? ऐसा क्यों होना? तो ऐसा चाहिए कि यदि मैं ध्यान करने का समय बढ़ा रहा हूं तो ध्यान का अनुभव जल्दी होना चाहिए। पर आप कह रहे हैं कि जितना मैं ध्यान का समय बढ़ाऊंगा उतना ही मुझे ज्यादा समय लगेगा ध्यान का पहला अनुभव करने में। गुरु कहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान जबरदस्ती करने की बात नहीं है, ध्यान होता है, किया नहीं जाता। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान के लिए तैयार हुआ जाता है। यदि तुम इसी क्षण तैयार हो तो घटना इसी क्षण घट जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम्हें नदी से अपने घर पानी ले जाना है, पर तुम्हारे पास कोई बर्तन नहीं है, कोई पात्र नहीं है। तो जितना समय तुम्हें पात्र को लाने में लगेगा उतना ही समय लगेगा तुम्हें ध्यान का पहला अनुभव करने में। पानी कहीं जा नहीं रहा, पानी वही है, बस तुम्हें पात्र की व्यवस्था करनी है। तो ध्यान का पहला अनुभव इसी क्षण अभी उपस्थित है, बस तुम्हें उसके पात्र बनना है, उसके लायक बनना है, और उसके लिए आवश्यक है निरंतर अभ्यास, बिना किसी प्रयास का अभ्यास। अब बिना किसी प्रयास का अभ्यास क्या होता है? ध्यान में कुछ भी सोच कर मत बैठो, ध्यान में कुछ भी देखने का प्रयास मत करो, ध्यान में कुछ भी अनुभव करने का प्रयास मत करो, बस बैठ जाओ, खाली होकर बैठ जाओ, हर चीज से खाली होकर बैठ जाओ। बस इतना ही है ध्यान के लिए तैयार होने का अभ्यास करना। गौतम बुद्ध कहते हैं, साधक के द्वारा जबरदस्ती करी गई कोशिश ही, मन के द्वारा करी गई जबरदस्ती कोशिश ही उसके और ध्यान के पहले अनुभव के बीच की बाधा होती है। इसलिए कोशिश छोड़कर होने का प्रयास करो, जो हो सकता है उसे होने देने का प्रयास करो।